गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा कि क्या आपको अपना जो पेट है रोज फूला फूला महसूस होता है। मैं बात करूंगा कि आपकी जो बेली है क्या आपको रोज ऐसा लगता है कि ब्लोटेड है या फूली हुई है या तनी हुई है, इसके बारे में बात करूंगा मैं। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हम फैक्ट्स को देखें तो जो ऑकेजनल ब्लोटिंग है वो किसी को भी कभी भी हो सकती है। आप रात में हैवी मील लिया, आपने बहुत ऑयली फूड लिया, आपने अल्कोहल कंज्यूम की, आप खाना खाने के बाद सो गए, अगर ये छोटी छोटी इस तरह की जो चीजें हैं जो आपने रात में की, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि सवेरे आपको पेट फूला हुआ मिले। लेकिन अगर आपको रोज सवेरे पेट फूला हुआ मिलता है, रोज पेट बहुत तना तना मिलता है, आपने अपने डाइट में चेंज करके देख लिए, आपने अपने लाइफस्टाइल को इंप्रूव करके देख लिए, इसके बावजूद भी जो ब्लोटिंग की फीलिंग है नहीं जा रही है, इसका मतलब यह है कि यह जो प्रॉब्लम है कुछ ऐसी है जो शायद डॉक्टर से कंसल्टेशन मांगती है। और डॉक्टर से कंसल्टेशन मांगने के अलावा यह शायद कुछ तरह की प्रॉब्लम है जो मेडिकल डिजीज का एवेल्युएशन मांगती है, क्योंकि बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं जो वास्तव में ब्लोटिंग की फीलिंग लेके चलती है। तो आज मैं उन मेडिकल डिजीजेस के इन जनरल बात करूंगा ताकि आपकी जानकारी में आ जाए कि आपके लगातार अगर पेट फूल रहा है तो कहीं कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है जिसके लिए आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। तो उनके बारे में बात करूंगा मैं। नंबर सबसे पहली जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो आती हैं इंटेस्टाइन एंड स्टोमक के जो प्रॉब्लम है, यानी आंत और खाने की थैली, ये दो एरियाज हैं, इनमें अगर प्रॉब्लम है तो ब्लोटिंग इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। इनके जो प्रॉब्लम्स हैं इनको आप ध्यान से देखिए, अगर कोई भी इन्फेक्शन है, चाहे वो इन्फेक्शन स्टमक के अंदर हो, चाहे वो इन्फेक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो, चाहे वो इन्फेक्शन कोलॉन में हो, तीनों में से कहीं भी हो, स्टमक में हो, चाहे वो हेलिकोबैक्टर का इन्फेक्शन डेवलप हो जाए तो आपको एक ब्लोटिंग की फीलिंग आएगी। स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई भी इन्फेक्शन हो, चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हो, कोई अदरवाइज इन्फेक्शन हो, तो वो ब्लोटिंग की फीलिंग लेके चलेगा। आपके जो बड़ी आंत है उसमें कोई इन्फेक्शन हो, चाहे वो अमीबाइसिस हो, बैक्टीरियल डिसेंट्री हो, कोई भी इन्फेक्शन अगर बड़ी आंत में है तो एक ब्लोटिंग की जो फीलिंग है वो हमेशा आएगी। तो इसलिए इन्फेक्शन को हमेशा ध्यान देना पड़ता है कि इनके चलते कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। द सेकंड वन इज द ऑब्स्ट्रक्शन। आप जानते हैं कि जो इंटेस्टाइन है वो यहां से डाइजेस्टिव सिस्टम चालू होता है गले से और बिल्कुल लैट्रिन के रास्ते तक है। ये एक हॉलो ट्यूब है जो ऊपर से नीचे तक चलती है। इसमें अगर किसी स्टेज पर कहीं भी कोई भी रुकावट है, चाहे वो पूरी रुकावट हो चाहे जस्ट नैरोइंग हो, इसका मतलब है नैरो अगर हुई, अगर ये स्टिफ हुई या पूरी बंद हो गई, तो जो रुकावट होगी उसके चलते हमेशा एक ब्लोटिंग की फीलिंग आएगी। ये जो रुकावट है वो किसी भी स्टेज पे हो सकती है, इन द सेंस खाने की थैली के आगे के एरिया में हो सकती है, जिसे कहते हैं गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई रुकावट हो सकती है या नैरोइंग हो सकती है, उसके चलते कुछ भी खाएंगे तो पेट ऐसा फूलेगा, तना हुआ महसूस होगा, उसके साथ रुक रुक के मरोड़े वाला दर्द भी आ सकता है और ऐसा आपको लगेगा जैसे गैस पास होने में प्रॉब्लम हो रही है। अगर ऐसा है तो वास्तव में स्मॉल इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम या रुकावट की तरफ संकेत करती है। ऐसे ही अगर जो कोलन है या जो बड़ी आंत है उसमें कोई भी रुकावट होगी तो एक जो ब्लोटिंग है, ब्लोटिंग की फीलिंग रेगुलर आएगी। इसलिए जब भी रेगुलर इस तरह की फीलिंग आती है, रुक रुक के मरोड़े वाला दर्द होता है, गैस पास होने में प्रॉब्लम होती है या वॉमिटिंग का सेंसेशन भी इसके साथ आता है, तो आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। नाउ लुक एट द इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। ऐसा माना जाता है कि इस जो टोटल पॉपुलेशन है, जो एडल्ट पॉपुलेशन है, ऑलमोस्ट 1/3 पीपल इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से सफर करते हैं इन देयर लाइफ टाइम सम टाइम और द अदर। जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है वास्तव में डोमिनेंटली तो बड़ी आंत को इन्वॉल्व करती है, लेकिन इसके डिफरेंट वेराइटीज हैं, डिफरेंट वेरियंट्स हैं। और जहां तक ब्लोटिंग का सवाल है या पेट तनने का सवाल है, इट्स ए वेरी कॉमन कंप्लेंट विथ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। नाउ लुक एट द पेप्टिक अल्सर।
जो पेप्टिक अल्सर है वो इतना अनकॉमन नहीं है जितना आप समझते हैं। पेप्टिक अल्सर इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। ये अलग अलग एरियाज में हो सकता है, मतलब साउथ इंडिया में ज्यादा हो सकता है, नॉर्थ में कम हो सकता है, बट पेप्टिक अल्सर इज ए कॉमन प्रॉब्लम। जो पेप्टिक अल्सर की हम जब बात करते हैं तो दो तरह का होता है। नंबर वन इज द गैस्ट्रिक अल्सर, जो खाने की थैली में होता है। सेकेंड वन इज द ड्यूडनल अल्सर, जो ड्यूडनम में होता है। इसके अलावा इसके साथ में कभी इंफेक्शन होते हैं जिन्हें हेलिकोबैक्टर इंफेक्शन कहते हैं। जब ये तीनों की तीनों वेराइटी में से कुछ भी होगा, गैस्ट्रिक अल्सर हो, ड्यूडनल अल्सर हो, हेलिकोबैक्टर इंफेक्शन हो, तो पेट का फूलना, ब्लोटिंग, हेवीनेस इज द मोस्ट कॉमन कंप्लेंट। इसके अलावा पेट में जलन और इसके अलावा जो है दर्द भी इज अ कॉमन कंप्लेंट जो पेप्टिक अल्सर के साथ में आती है। नाउ लुक एट द जीईआरडी। जब मैं जीईआरडी की बात करता हूं, इसका मतलब है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। ये खाने की जो थैली है इसमें से जो एसिड है वो चढ़ के खाने की नली में आ जाता है। इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो जो डोमिनेंट कंप्लेंट है वो होगी कि सीने में जलन होती है या खट्टा पानी गले में आ जाता है। बट अगर हम जीईआरडी के सभी पेशेंट्स को लाइन से खड़ा करें तो ऑलमोस्ट 2/3 पेशेंट्स की कंप्लेंट होती है कि सीने में जलन, खट्टा पानी गले में आने के अलावा जो पेट में हैवीनेस है या भारीपन है इज आल्सो एसोसिएटेड सिम्टम। तो जीईआरडी के डोमिनेंट जो पेशेंट्स हैं उनको पेट में भारीपन भी एक कंप्लेंट आती है। अनफॉर्चुनेटली कभी कभी जो कैंसर्स हैं, चाहे वो स्टमक का कैंसर हो, चाहे वो इंटेस्टिन का कैंसर हो, चाहे कोलोनिक कैंसर हो, इनमें जो ब्लोटिंग है वो प्राइमरी सिम्टम है जो सबसे शुरू में आ जाता है। तो इसलिए अगर हैवीनेस है तो ये एक एंगल है, इस पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। नाउ लुक एट द सीलिएक डिजीज। जो सीलिएक डिजीज है वास्तव में इतनी अनकॉमन नहीं है जितना आप समझते हैं। जो सीलिएक डिजीज है ये गेहूं का इंटॉलरेंस है। गेहूं में एक प्रोटीन होता है जिसे कहते हैं ग्लूटेन। अगर जो ग्लूटेन है उसकी आपकी इंटेस्टिन में इंटॉलरेंस है, आपकी बॉडी में इंटॉलरेंस है, तो अगर आप ग्लूटेन खाते हैं तो वास्तव में आपकी जो इंटेस्टिन की सरफेस है वो डैमेज होती है। अगर आप इस फोटोग्राफ को ध्यान से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में इज द नॉर्मल विलाई जो आपकी स्मॉल इंटेस्टिन में है, लेकिन अगर ग्लूटेन इंटॉलरेंस है तो आपके जो विलाई है वो ऐसे फ्लैट हो जाते हैं। तो अगर सीलिएक डिजीज है तो खाना खाने के बाद जो ब्लोटिंग है इज ए वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम। नाउ दूसरी जो मेडिकल कंडीशंस हैं जो भी प्रॉब्लम लेके चलती हैं उन पर भी एक नजर डालने की जरूरत है। अगर कोई भी ऐसा कारण है जिसके चलते पेट में पानी भर गया जिसे असाइटिस कहते हैं, असाइटिस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लिवर डिजीज में असाइटिस आ सकती है, इंटेस्टिन की टीबी में असाइटिस आ सकती है, अगर पेट में कोई ट्यूमर डेवलप हो गया तो असाइटिस आ सकती है। तो असाइटिस के देयर आर वैरायटी ऑफ रीजंस, लेकिन किसी भी कारण से पेट में पानी आएगा तो पेट तनेगा और भारीपन की फीलिंग आएगी। नंबर टू, कोई भी फूड एलर्जी है या फूड इंटॉलरेंस है, से फॉर एग्जांपल आपको जो इंटॉलरेंस है वो एग के चलते है, या कोई भी इस तरह की फूड एलर्जी या फूड इंटॉलरेंसेस हैं, तो पेट में हैवीनेस, पेट का तनाव या पेट में भारीपन आएगा। ऐसे ही महिलाओं में जो पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज है जिसमें इंफेक्शन यूट्रस के आसपास के एरिया में होते हैं तो एक हैवीनेस की फीलिंग आती है। जो लिवर डिजीजेस हैं वो सभी एक हैवीनेस की फीलिंग लेकर चलती हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा कि जितने भी कैंसर्स हैं, चाहे वो पैनक्रियाटिक कैंसर्स हों, ओवेरियन या यूट्राइन कैंसर्स हों, ये कभी कभी एक हैवीनेस की फीलिंग लेकर चलते हैं, उनको आपको हमेशा ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन इनके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको ध्यान से देखिए, कभी कभी हम बहुत सारी दवाइयां इस्तेमाल करते हैं, हमें पेट में भारीपन आता है, हम ध्यान भी नहीं देते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मेडिसिन ही प्रॉब्लम कर रही हैं। अगर आप मेडिसिन को ध्यान से देखें, अगर आप पेन किलर यूज करते हैं, आप किसी भी कारण के लिए पेन किलर यूज करते हैं, चाहे ज्वाइंट पेन के लिए करें, चाहे बैक पेन के लिए करें, चाहे हेडेक के लिए करें, जब पेन किलर्स या नॉन स्टेरॉयल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स आप यूज करते हैं रेगुलरली तो एक ब्लोटिंग की फीलिंग आती है, तो आपको समझने की जरूरत है। अगर आप ओपियाइड्स यूज करते हैं जो अफीम के डेरिवेटिव्स होते हैं, चाहे वो आप पार्ट ऑफ एडिक्शन यूज करें, चाहे पार्ट ऑफ मेडिकेशन यूज करें, अगर आप ये यूज करते हैं तो हैवीनेस उसकी फीलिंग कंटिन्यूअसली आती है। ऐसे ही बहुत सारी डिप्रेशन की मेडिकेशंस हैं, चाहे वो एसएसआरआई ग्रुप की हो, चाहे वो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हो, जितनी भी डिप्रेशन की दवाइयां हैं, साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि थोड़ा सा पेट में ब्लोटिंग की फीलिंग लेके चलती हैं। नाउ लुक एट द फाइबर सप्लीमेंट। बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं कि पेट साफ नहीं होता है, कब्जियत होती है, उसके लिए फाइबर सप्लीमेंट लेते हैं, पर्टिकुलरली इसबगोल। इसबगोल बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, तो अगर आप फाइबर सप्लीमेंट
ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो वास्तव में यह आपके पेट में ब्लोटिंग की फीलिंग लेके चलता है। तो अगर आप ध्यान से देखें कि जो पेट में जो ब्लोटिंग की फीलिंग आती है वो वास्तव में आपकी डाइट, आपकी लाइफस्टाइल इससे जुड़ी हुई हो सकती है। आपने मान लिया इन चीजों को करेक्ट किया लेकिन जो ब्लोटिंग की फीलिंग ठीक नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। यह कभी कभी मेडिकल कंडीशंस का इंडिकेशन होता है कि जो आपको पेट में ब्लोटिंग आ रही है। जो मेडिकल कंडीशंस हैं वो स्टमक से रिलेटेड हो सकती हैं, वो इंटेस्टिन से रिलेटेड हो सकती हैं, वो गॉल ब्लैडर लिवर से रिलेटेड हो सकती हैं, आप जो दवाइयां इस्तेमाल करते हैं उनसे रिलेटेड हो सकती हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पेट की जो ब्लोटिंग है वो परसिस्टेंट है, लगातार बनी हुई है, इन वो ठीक नहीं हो रही है आपकी जो डाइट और लाइफस्टाइल चेंज करने के बावजूद, तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, इन इस प्रॉब्लम को एवेल्युएट कराना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि जो रीजंस हैं ब्लोटिंग के उनको समझने में यह वीडियो आपको हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लेबर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर, थैंक यू वेरी मच।